हेलो चिल्ड्रन फ्रेंड्स, शिल्पी प्राइमरी वर्ल्ड आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा को आप जानेंगे। अनुस्वार बिंदु अंक की मात्रा की तरह ही अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा को भी हम अक्षर के ऊपर से लगाते हैं। तो इसे अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो यहां दिया गया है अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा, ये चंद्र बिंदु दिया गया है, तो अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो जो ये चंद्र बिंदु है तो इसका जो प्रयोग है वो अनुस्वार की तरह इसका ही प्रयोग अक्षर के ऊपर किया जाता है। और एक अंतर इसमें यह है कि इसमें नीचे ये चांद लगा दिया जाता है। इसका भी जो प्रयोग करते हैं वो अनुस्वार बिंदु की तरह, जो ये पाई है अक्षर की, जो ये पाई है ठीक इसके ऊपर इसका प्रयोग करते हैं। अब यहां दिया गया है अ अनुनासिक चंद्र बिंदु ऊपर से लगाया गया है, यहाँ मात्रा रूप में है प प्लस चंद्र बिंदु, प प प्लस अनुनासिक चंद्र बिंदु की मात्रा प शब्द में है पांच। तो इसका जो उच्चारण होगा वो बहुत ही हल्का होता है। जो अनुस्वार का उच्चारण था उसे झटके से करना है, लेकिन इसका उच्चारण बिल्कुल हल्के से करना है, ज्यादा झटके से नहीं करना है। इसका जो उच्चारण होगा वो हल्का होगा, जो कि नाक और मुंह से बिना रुके देर तक बोलता है, पांच है ना, पांच। तो नाक और मुंह दोनों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो, और देर तक बोलता है, देर तक इसे बोलना है। जैसे कि कुछ और हम यहाँ बताएंगे शब्दों को, यहाँ हम लिखेंगे अंक, तो ये क्या है, ये अनुस्वार है अंक, झटके से बोल रहे हैं रुक जा रहा है, और यहाँ हम लिख रहे हैं आंख, तो क्या है इसमें हल्कापन है, और नाक और मुंह से थोड़ा देर तक इसका उच्चारण जा रहा है, अंक आंख, दोनों के उच्चारण में अंतर है। और मात्रा में अंतर यह है कि इसमें सिर्फ बिंदु लगाना है अनुस्वार में, और चंद्र बिंदु में ये जो बिंदु है इसके नीचे आधा चांद बना देंगे तो ये चंद्र बिंदु हो जाएगा। लेकिन दोनों का प्रयोग जो है वो प्रयोग क्या करेंगे, अक्षर के ऊपर इनका प्रयोग करेंगे, जो पाई होगी उस पाई के ठीक ऊपर इसका हम प्रयोग करेंगे, दोनों का ही प्रयोग पाई के ठीक ऊपर करेंगे। जैसे कि हम यहां लिख रहे हैं आंच, तो यहां जो ये आकार आ रहा है ठीक इसके ऊपर ही डालेंगे आंच। सांस, यहां पर भी उसी तरह से डाल रहे हैं। बांस, पांव, उस तरह से जा रहा है बिल्कुल, जो ये पाई है ठीक इसके ऊपर इसे लिख रहे हैं, और उच्चारण में क्या है हल्कापन है, बिल्कुल हल्का इसका उच्चारण जा रहा है, जो नाक और मुंह से बिना रुके देर तक बोला जा रहा है इसे। इसमें कुछ और शब्दों को लिखकर आपको हम बताएंगे जिससे कि आप अच्छे से इसको उच्चारण को समझ पाएंगे और अक्षर के ऊपर इसका प्रयोग भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। कांटा, चांटा,
हल्का नकार है इसमें उच्चारण, कांटा चांटा आंच सांस बांस पांव आ रहा है ना। और उच्चारण जो है वो नाक से और मुंह से बिना रुके थोड़ा देर तक बोल रहे हैं। अब किसी और मात्रा के साथ इसका कैसे प्रयोग होगा, जैसे कि हम यहां लिख रहे हैं चोंच। अब इस चोंच में लगाना है इस चंद्र बिंदु को, तो इस चंद्र बिंदु के यहां से लगाएंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस चोंच में चंद्र बिंदु के चांद को हटाकर सिर्फ बिंदु को लगाएंगे और उच्चारण उसी तरह करेंगे, चंद्र बिंदु की तरह उच्चारण करेंगे हल्का और थोड़ा देर तक, चोंच हल्का और थोड़ा देर तक इसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि एक और हम उदाहरण दे रहे हैं, यहां पर लिखेंगे, अब इसमें लगाना है चंद्र बिंदु, तो यहां चंद्र बिंदु लगाएंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसे ऐसे लगाएंगे, ठीक इसके बगल में यहां लगा देंगे भैंस, तो इस तरह से इसे लगाएंगे। यहां देखिए ध्यान दीजिए, ये भैं हो गया, यहां बिंदु को लगा दिए, स हो गया भैंस। ये नहीं कि यहाँ पर चंद्र बिंदु डाल दिए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बिंदु का प्रयोग होगा, लेकिन उच्चारण जो होगा वो उच्चारण चंद्र बिंदु का ही होगा, भैंस है ना। आवाज में हल्कापन रहेगा और नाक और मुंह से बिना रुके थोड़ी देर तक इसे बोला जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको अनुनासिक चंद्र बिंदु अंग की मात्रा की जानकारी दी गई। इस वीडियो को लेकर अपनी राय जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।